आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज के अंतर्गत कवि सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, कृष्ण ने गोपियों का चुरा लिया था, अ दही और मक्खन, ब वस्त्र, स बछड़े और द मन। प्रश्न का उत्तर है द मन। प्रश्न 2, संदेश ले जाने वाले पथिकों के बारे में गोपियों को संदेह था कि अ वे मथुरा नहीं पहुँचे, ब उन्होंने कृष्ण को संदेश नहीं सौंपे, स कृष्ण ने उन्हें बहका लिया, द पथिकों ने संदेश मार्ग में फेंक दिए। प्रश्न का उत्तर है स कृष्ण ने उन्हें बहका लिया। प्रश्न 3, उद्धव मन माने की बात कथन के पक्ष में गोपियों ने उदाहरण दिया है, अ विष कीट द्वारा विष खाने का, ब चकोर द्वारा अंगार खाए जाने का, स पतंगे का दीपक की लौ में जल जाने का, द इन सभी का। प्रश्न का उत्तर है द इन सभी का। प्रश्न 4, राधा ने नंद के पुत्र के बारे में सुना था कि अ वह बहुत सुंदर है, ब वह मधुर स्वर में वंशी बजाता है, स वह ग्वालों के साथ गाय चराता है, द वह मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। प्रश्न का उत्तर है द वह मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। प्रश्न 5, दूत मिलियो एक भोर में भोर कहा गया है, अ भमरे को, ब राधा को, स गोपिकाओं को और द उद्धव को। प्रश्न का उत्तर है द उद्धव को। प्रश्न 6, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अ उद्धव के लिए, ब गोपिकाओं के लिए, स कृष्ण के लिए, द ब्रजवासियों के लिए। प्रश्न का उत्तर है स कृष्ण के लिए। प्रश्न 7, मधुकर श्याम हमारे चोर यह किसने कहा है, अ गोपियों ने, ब राधा ने, स कृष्ण ने, द ब्रजवासियों ने। प्रश्न का उत्तर है अ गोपियों ने। प्रश्न 8, भूजत श्याम कौन तू गोरी में गोरी कहा गया है, अ यशोदा को, ब गोपियों को, स राधा को, द उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर है स राधा को। आशा करता हूँ कि सभी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हुई होंगी। इसी प्रकार की
महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।